जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं चैतन्य तत्व ज्ञान मात्र तत्व हूँ। अनंत परमाणु का पिंड यह देह आत्मा की अनुभूति में कहीं पर भी नहीं है। देह की रचना कर्म के उदय का परिणाम है। विकल्पों की रचना वह भी कर्म के उदय का परिणाम है। ज्ञान मात्र को अनुभव, बस इतना ही अनुभव कि
यह ज्ञान ही है, जो अनुभूति है यह ज्ञान ही है। ज्ञान वह है जिसको देह नहीं मिल सकता। ज्ञान वही है जो देह में फैल नहीं सकता। यह अनुभूति मात्र भगवान आत्मा ही मैं हूँ। देह के साथ ज्ञान तादात्म्य नहीं है। देह पड़ा है, अनंत परमाणु पड़े है ना, ऐसे ही ये देह पड़ा है। देह जितना दूर दिखाई देता है, नींद भी उतनी ही दूर दिखाई देती है। क्योंकि उदय के परिणाम है ना, वो सब ज्ञान की अनुभूति से दूर दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही इस देह को बिल्कुल ऐसा दूर देख, जैसे भोजन मिलता है वह उदय से, और भूख का विकल्प होता है, भूख लगती है, यह भी उदय से, वह उदय का परिणाम। देह भी उदय का परिणाम है और देह की नींद भी उदय का परिणाम है। पूरे ढेर को ही एक साथ देख दूर, और अनुभव में जो आ रहा है ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, ऐसा जो अनुभव में आ रहा है, ज्ञान मात्र, इस ज्ञान में ये सभी के सभी एक साथ, ये उदय के परिणाम कहीं नहीं। इसलिए तो दिन हो या रात हो, ज्ञान को दिन भी नहीं है और रात भी है। देह दिन में जागता है, रात में सोता है। जानने वाले ज्ञान में, मेरे में न दिन है न रात है। सूर्य की और चंद्र की गति भगवान मेरे में नहीं है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति,
अनुभूति को नींद नहीं आती, अनुभूति 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 अनुभूति, स्वीकार करे तो भी अनुभूति है, न स्वीकार करे तो भी अनुभूति है। क्योंकि स्वीकार और अस्वीकार ये अनुभूति से अलग है। स्वीकार तो श्रद्धा में होता है, अस्वीकार भी श्रद्धा में होता है। और ज्ञान में तो श्रद्धा नहीं, ज्ञान में तो ज्ञान अनुभव में आता है। ये ज्ञान, ये ज्ञान। इस ज्ञान को तो अब ये जो शरीर पड़ा है ना, उस शरीर में परमाणुओं में भले ही देख करके भी, इन परमाणुओं को देखता हुआ, इन परमाणुओं को अनुभव नहीं कर रहा है। इन परमाणुओं को कहीं पर भी अनुभव नहीं कर रहा है। तो फासला दिखेगा परमाणु से, इस शरीर के परमाणु से भगवान फासला दिखेगा। अनुभूति 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 अनुभूति। अनुभव स्वभाव थोड़ी हो जाता है। तो मिट्टी है ना, ऐसे इस देह को ऐसा स्कंध के रूप में, पिंड के रूप में देख, ये शरीर पड़ा है। कुम्भार जैसे मिट्टी है, वो मिट्टी का मटका बनाता है ना, तो ऐसे ही मिट्टी का मटका बनाया तो मिट्टी अलग थी, उसमें पानी डाला, उसमें से मटका बनाया। तो वो जो परमाणु थे मिट्टी के और पिंड हो गया ना, तो पिंड होने से कुम्हार का हाथ जो है, वो कुम्हार का हाथ, वो कुम्हार का हाथ जब भगवान उस घड़े को छूता है, तो जो अनुभव होता है ना, वो घड़े के अंदर तो बिल्कुल नहीं होता, वो कुम्हार को ही होता है। घड़ा घूम रहा है, चाक घूम रहा है, उसमें घड़े का जो अनुभव है वो घड़े के अंदर नहीं है। ऐसे ही इस देह के परमाणु में अनुभव नहीं है, अनुभव जो हो रहा है वह ज्ञान में ही, ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है। तो फिर उसके अंदर कर्तापना रखे बिना फिर देह की क्रिया होगी ना, तो उदासीनता का भाव रहेगा, तो सुख नहीं लेगा, फिर सुख नहीं लेगा, सुख नहीं लेगा।
क्योंकि ज्ञान वहाँ है ही नहीं, मैं वहाँ हूँ ही नहीं। तो वहाँ जो परमाणु में जो रिलैक्स फील होता है ना, तो वो पहले कैसे सुख मानता है। जैसे एक ही जगह पर मानो सोता रहा, और फिर शरीर अकड़ गया, दर्द होने लगा, तो ऐसा विकल्प आया कि लाओ मैं थोड़ा हिलता हूँ, करवट बदलता हूँ, ऐसा भाव आया। अब अनुभव को ही अंदर में अंतर में ले, बिल्कुल अनुभव को हो, कि अनुभव जब परमाणु में है ही नहीं, तो जैसे ही करवट बदली तो उसमें से सुख कैसे लूँ मैं वहाँ पर, क्योंकि मेरा अनुभव तो मेरे अंदर है और परमाणु के परिणमन में तो मेरी मेरी जो सत्ता है, मेरी जो सत्ता है वो तो जब उसमें है ही नहीं, तो कैसे मैं फिर उसमें से सुख लूँ। तब क्या होगा, उदय के अनुसार करवट तो बदल देगा, मगर वो जो भाव आता है ना अंदर में, छुपा भाव, आयश, ऐसा आयश, वह जो भाव आता है, वह भाव अब क्यों आए भगवान, वह भाव क्यों आए, क्योंकि मेरी अनुभूति मेरे में है, करवट बदली है उसके अंदर, मेरी अनुभूति नहीं है। ये सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन, ऐसा फील कर। विकल्प चाहेगा, बॉडी को सेट करते हैं, मैं थोड़ा ऐसे लेट जाऊँ, मैं सीधा लेटू, उल्टा लेटू, ऐसा लेटू, पैर ऐसा रखू, ये जो है ना राग, राग का भाव है ना, वो सब चाहता है कि शरीर जब सोता है तो उसको जितना 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 कंफर्टेबल फील होगा, ऐसा बॉडी को चाहता है राग। ये अनुभूति नहीं चाहती है, अनुभूति बिल्कुल ये नहीं चाहती, क्योंकि अनुभूति जो है भगवान, वो तो चाहत से अलग है, उसमें चाहत है ही नहीं। तो शरीर को शरीर की इच्छा से सब एक साथ में ही देख, ज्ञान 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 ज्ञान। तब तुझे अपनी कमजोरी नहीं दिखेगी हो, मारा त्रण लोकनाथ भगवान तने कहू छू, आई एम रियली रियली टेलिंग यू, यू विल नॉट फील, यू विल नॉट फील एट ऑल दैट यू आर स्लीपिंग, एंड यू विल नॉट फील। You are moving. Knowledge is eternal pure. Body is moving and reflecting in the mirror, but mirror is completely untouched and unaffected. And you just feel it. You will need to touch the mirror if you want to feel the mirror. But you don't need to touch the knowledge because you are not separate from knowledge. तुम ही हो, तब फिर क्या छूना ज्ञान को, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, तब ओ हो, सारा सारा देह ही अलग है हो भगवान, सारा देह ज्ञान में देह, फिर नहीं ऐसा ऐसा होगा,
ये देह है, इतना भी स्पेसिफिकेशन, इतना भी ये इतना भी भाव नहीं आएगा कि ये देह, क्योंकि जो देह लेटा हुआ है, मैं लेटा हुआ हूँ, वो जिस पलंग के ऊपर लेटा है, जब उस पलंग के परमाणु को, गद्दे के परमाणु को, हाँ भगवान, ऐसा पूरा तकिए के परमाणु को, रजाई के परमाणु को, जब सब परमाणु को एक श्रेणी में देखा, कैसा देखा मालूम है? कि बस पलंग में अनुभूति है, नहीं है, गद्दे में अनुभूति है, नहीं है, तकिए में अनुभूति है, नहीं है, रजाई में अनुभूति है, नहीं है, और फिर उसमें ही एक ही दृढ़ता से, देह में अनुभूति है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसा करता हुआ, जब अनुभूति को देह के अंदर नहीं, हो, तू सिद्ध ही होगा उस समय, सिद्ध हो, सिद्ध सोता हुआ संसारी, फिर कहाँ रहा भगवान? सारे परमाणु को अनुभूति की कसौटी पर कस लिया, अनुभूति है, अनुभूति है, अनुभूति है, ओ नींद आना है, कमजोरी नहीं लगेगी, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, नींद कमजोरी नहीं लगेगी हो भगवान, ऐसा होता? अरे इतना चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ज्ञान में ज्ञान का अनुभव अनुभव अनुभव, इतना गहरा भाव चल रहा है और नींद आ गई। अरे कमजोरी मेरी ऐसी, नींद आ गई, नींद आ गई। मिर्ची तीखी है, ये उसका स्वभाव है, तो तीखी है, ये कोई हीनता अनुभव करने जैसा नहीं है कि तीखी क्यों है। करेला कड़वा क्यों है? ये उसका स्वभाव है, ऐसे ही सभी के उसका स्वभाव है, तो शरीर है, थकान लगेगी और बहुत नींद आएगी, मगर नींद के साथ में मत रहना भगवान, ज्ञान अनुभूति 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 ही, ओ इतनी दृढ़ता, तब पृथ्वी है ही नहीं तेरे पास में भगवान, आकाश और पृथ्वी का क्या नाता? चैतन्य परमात्मा, इसमें तो पूरा पूरा सार आ गया। यू जस्ट फील एंड जस्ट रियलाइज बिफोर यू गो टू स्लीप, यू फील दैट आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप। द बॉडी इज स्लीपिंग बट द नॉलेज विच नोज दैट बॉडी इज स्लीपिंग, दैट नॉलेज इज नॉट स्लीपिंग एट ऑल।
इट इज कंप्लीटली एक्टिव एंड जस्ट फील इट. ओ माय गॉड, ओ हो, इट्स मी, इट्स मी, इट्स मी, इट्स मी, इट्स मी. देर इज नो बॉडी एट ऑल, देर इज नो बॉडी एट ऑल. इट्स जस्ट कॉन्शियसनेस, देर इज नो एटम. कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी मर्ज विद द एटम. कॉन्शियसनेस कैन नॉट मूव टूवर्ड्स एटम. इट्स इटर्नली स्टेडी. And it's me. If you feel the vibration, if you really, really, really feel connected, then your body will feel the vibration. But you make a difference that the substance which recognizes that body is vibrating, the knowledge is not vibrating. It's just knowing. It's just flowing river of the knowledge. ये मैं हूँ, वो हूँ, हो हमारा भगवान. आओ अंदर माँ चैतन्य नो चोर लाओ. तो यू जस्ट फील इट, देर इज नो बॉडी एट ऑल. अंदर थी ये ऐसा होना चाहिए भगवान कि तुझे नींद आ रही है भगवान. ओ हो, तुझे नींद आ रही है, तुझे नींद आ रही है. बोले नींद आने के लिए मेरे पास में शरीर तो होना चाहिए ना भगवान. यहाँ तो अनुभूति हो रही है, शरीर नहीं है. अनुभूति हो रही है, जब अनुभूति हो रही है और शरीर है ही नहीं, तो बिना शरीर की नींद किसको आती है भगवान. तुम ज्ञान ज्ञान, यू जस्ट फील इट, यू जस्ट एंजॉय, 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 एंजॉय द इटर्नल स्टेडीनेस. ये जो ज्ञान की नित्यता और ध्रुवता है ना, बस उस ध्रुवता को ही बस And when you will go deeper, deeper and deeper, there will be understanding. I am not realizing at all. जो भी अनुभव हो रहा है वह तो पर्याय में हो रहा है. मैं तो सत्ता हूँ. बोल कल कहाँ जाएगा, स्वर्ग में, नरक में, कल कहाँ जाएगा. तुरंत ही हो वो पर्याय ये कहेगी, तू नहीं कहेगा, वो पर्याय कहेगी कि मैं तो सत्ता हूँ. और वो पर्याय तेरी मालिक नहीं बनती हो, वो पर्याय पर्याय में रह कर के ही वो आनंद भोग लेती है. तेरा तो मालिक तेरी पर्याय भी नहीं बनती भगवान. हो, ऐसा स्वरूप है चैतन्य स्वरूप, ऐसा है भगवान.
जस्ट फील इट। Let your modification fail you. You will not feel anything. Let your modification fail you. इस एक वाक्य में तो चिन्ह गम का सार आ जाता है। मेरे प्रभु, तेरी पर्याय को तेरा अनुभव करने दे। ओहो, तू कुछ मत कर, तू तो करता ही नहीं है। यह निष्क्रिय चैतन्य तत्व, उसमें क्रिया तो होनी चाहिए ना। रहे थी नहीं है, सब हिंता, क्योंकि सारे उदय को ऐसा अब सब में एक साथ में लेना, दिन भी नहीं है और रात भी नहीं है, तो सोना भी नहीं है और जागना भी नहीं है, बस क्योंकि बॉडी ही नहीं है। नए बॉडी को धारण करने के लिए नया पूरा शरीर नया कहां से लेगा भगवान? कहां से लेगा? कौन से प्रदेश से परमाणु को लेगा? क्योंकि तेरे सभी प्रदेश तो ज्ञान से भरे हुए हैं। ओ हो 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 हो। दूसरी ओर ऐसा होगा, हो शरीर शरीर का काम करेगा, शरीर शरीर का काम करेगा, शरीर शरीर का काम करेगा, मगर तुझे अंदर से इतनी दूरी दिखाई देगी, इतनी 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 दूरी दिखाई देगी, इतनी दूरी दिखाई देगी कि मैं कैसे 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 उस शरीर को भोगो, शरीर को अपने पास लाओ, शरीर के साथ में मैं अभेद हो जाओ, क्योंकि अनुभूति जो है, मेरा अस्तित्व जो है, वो तो चारों ओर से तो बोलने में आता है वो भगवान, बाकी तो असंख्य ओर से माने असंख्य प्रदेशों से जगह ही नहीं। जस्ट फील, यदि तुझे नींद आती है तो बस इतना ही फील कर कि बस ज्ञान ही है। लास्ट विचारो, सोना तो है ही, बराबर है, पक्का है, सोना तो है ही, तो ईमानदार हो करके, प्रामाणिक हो करके, कृपालु देव को साक्षी रख करके बस इतना ही भाव पाता रहे कि मेरे सर्वांग प्रदेशों पर ज्ञान है, पर ये ज्ञान परमाणु को ग्रहण कर ही सकता नहीं है, बस
इस ज्ञान में ताकत नहीं है कि परमाणु को धारण करे। जब देह नहीं है तो नींद भी नहीं है, बस ज्ञान ज्ञान ज्ञान। इतना ऐसा फील करता करता तो चुपचाप मौन होकर के ज्ञान ज्ञान। मौन माने कैसा मालूम है? ये जो विकल्प जो चलते हैं ना, ये जैसे अभी बस सो जाना बहुत बार ऐसी नींद आ गई, मगर ज्ञान ने एक बार भी यह अनुभव नहीं किया है कि मुझे नींद आ गई। छलक जाने से थोड़ी नींद आ जाती है, ये तो नींद ज्ञान की अवस्था में झलक जाती है, झलक जाती। ऐसा अंदर में भाव फिर यहाँ पर घर गाड़ी मोटर बंगला ये तो झलक गया है। पूरा देह हो, अपने माता पिता भाई बहन ये सब, अब ये तो झलके हैं ज्ञान में। सम्यक दृष्टि होने तो बेटा माँ के गर्भ में है, तो उसको कितना मिथ्या दृष्टि को कैसा अपनापन होता है, ये मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, कितना कितना मोह का भाव है। और सम्यक दृष्टि के ज्ञान में झलकने से बेटा मेरा नहीं होता, और वह बेटा मेरा नहीं होता ऐसा नहीं, ये मेरा देह जो है वह भी मेरा नहीं, सारे परमाणु एक ही है बस। तो फिर भगवान ये विचार के साथ में अपनापन होगा ना, तो नींद आने पर वो विचार बंद हो जाएंगे, तो तुझे ऐसा लगेगा कि अरे मैं कहाँ चला गया था। विचार के साथ में तन्मयता होगी तो ऐसा होगा, मगर तू अपनी कसौटी करना, यदि तू ज्ञान के साथ में ही तन्मय अनुभव करता है तो तुझे एक सेकंड के लिए नहीं, एक समय के लिए ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ अधूरा रह गया, बीच में ब्रेक पड़ गया। ज्ञान 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 ज्ञान, हे चैतन्य परमात्मा यहाँ ज्ञान। नो सप्रेशन, जस्ट बी नेचुरल।
ऐसे ही सहज और प्राकृतिक रूप से बस जैसा। अब ना तो देह को छोड़ने की चिंता है न पकड़ने की, क्योंकि ये देख लिया कि ज्ञान देह को छूता नहीं। बस हो ज्ञान देह को छूता नहीं। ये शरीर के परमाणु तुम्हारे स्वभाव को कभी न छोड़ोगे और हम हमारे स्वभाव को कभी न छोड़ेंगे। तुम्हें नींद में जाना है तो नींद में जाओ, शरीर जाता है नींद में और ज्ञान आता है अनुभव में। हो। बस अंतिम बात यही है, अंतिम बात यही है। ओहो, देह चला गया नींद में, पहला विकल्प आएगा मैं ज्ञान मात्र, नींद खुलेगी नहीं तो पहला विकल्प आएगा मैं ज्ञान मात्र, मैं ज्ञान मात्र। ऐसा विकल्प आएगा नहीं, उसमें भी ऐसा मत समझना कि अरे भगवान देखो कैसी जादू थी। पहले सीधा ज्ञान का ही भाव आता उसमें भी, ऐसा एहसास कर कि ये भी कलंक है वो। नींद खुलते ही अरे मैं तो ज्ञान मात्र, उस समय स्वीकार कर ये कलंक है। और नींद थी तब भी वो जो निष्कलंक जानन धारा चल रही थी, भेद ज्ञान। अरे भगवान ये पूरा देह अभी तो कहाँ, बिल्कुल जैसे हो। बच्चों के खेल जैसे होते हैं ना, ऐसा ही दिखाई देता है पूरा दूर हो। बच्चे वो ढिंगला ढिंगली के खेल खेलते हैं ना, हो ऐसा। उसके ऊपर कपड़े पहनाते हैं, कपड़े उठा देते हैं, ऐसे ही ये सब खिलौने पुतलियां है सब। ऐसे बच्चे जैसे खेलते हैं ऐसे ही शरीर के साथ में, शरीर शरीर के साथ में ये सब। सोना, बेड पर लेटना, चादर को ओढ़ना उठाना, ये सब क्रियाएं जो है ये बच्चों के खेल जैसा लगेगा। अंत में प्रामाणिकता से ही
विश्राम करो। भगवान, आपका ये अंतर में भेद ज्ञान का अभ्यास मैं परम कृपालु देव से प्रार्थना करता हूँ। आज रात्रि की, कल सुबह होगी न होगी, हम में से कोई नहीं जानता। जब ये देह अनजाना होने ही वाला है, तो उस देह को अपने असंख्य प्रदेशों के जो पुंज ऐसे चैतन्य परमात्मा के नजदीक लाने हैं, ये आ नहीं सकता है। तो फिर भले पड़ा देह देह में और ज्ञान ज्ञान में, ज्ञान ज्ञान में, ज्ञान ज्ञान में, यह ज्ञान है। ज्ञान 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 ज्ञान, इस ज्ञान के ही अभ्यास में तुझे सम्यक दर्शन पर्याय में प्रकट हुए बिना न रहेगा। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति। अब कहाँ दिन है, कहाँ रात है, कौन सा दिन, कौन सी रात, अनुभूति अनुभूति अनुभूति। इस आत्म राम में रमण करती हुई पर्याय, मगर राम निर्विकल्प रहता है। तो ये अनुभूति मात्र न्याय न्याय। शरीर जितनी गहराई में नींद में सरकता जाता हो, उतना ही तो अनुभव का एहसास करता हुआ न्याय 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 ऐसा एहसास करते हो तो अनुभूति में सरकता जाएगा। बस लक्ष्य एक ही रखना, ज्ञान। चैतन्य चैतन्य Ooh.